गुड मॉर्निंग। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि कल हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पे डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10D RS अग्रवाल का। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10D था स्टूडेंट। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना, वही पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट आप लोग इसमें जहाँ तक देखे हैं, आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे, तो उसमें क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला था। तो स्टूडेंट कल भी हम पूरा डिस्कस किए थे, पूरा बोल रहे थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, उसका फॉर्मूला सारा चीज़ बताए थे, और ये भी बोले थे कि ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला यदि याद नहीं कीजिएगा तो आप लोगों से आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप लोग देख भी रहे हैं कल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, पूरा आधा लाइन का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन होता था, और पूरा का पूरा तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला था। और जैसे ही हम लोग आते थे एक छोटा सा फंक्शन मिलता था और उसी का बस डिफरेंशिएशन होता था। तो स्टूडेंट इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है याद करना, आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। और जैसे कि कल जो 12 तक हम लोग पढ़े थे तो उसमें से आप लोगों को हम बताए थे एक आइडियाज रिलेटेड टू इनवर्स, यानी कि कुछ आइडियाज के बारे में बताए थे, आइडियाज रिलेटेड टू इनवर्स, यानी कि इनवर्स का डिफरेंशिएशन में, इनवर्स का जब हम लोग मतलब इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें कुछ आइडियाज बताए थे, वो आइडियाज का कहाँ पे यूज करते हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट पता ही है। जैसे कि चलिए बार फिर से वो चीज़ को हम आप लोगों के सामने रिपीट करते हैं, ताकि वो जो कल वाला चीज़ है वो एक बार फिर से रिपीट हो जाने के बाद आप लोगों का माइंड में सेट हो जाए, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वो आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए। तो चलिए आइडियाज रिलेटेड टू फंक्शन को एक बार समझते हैं, क्या क्या आइडियाज था उसको। जैसे कि चार चार करके लिखाए थे और फिर इधर भी कुछ था, वो सब सारा चीज़ एक बार करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या था। फर्स्ट में जैसे आप लोग को बताए थे कि 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते थे, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या था, रूटेंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये सब सारा चीज़ जैसे कि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे हम लोग आएंगे टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इसीलिए लगाएंगे जब भी आप लोग फंक्शन देखिएगा तो उस फंक्शन से आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे ही फंक्शन लिखा हुआ रहे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ से भी टेन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस किए थे जब भी कभी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स हो, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स हो, यानी कि दोनों हो, तो हम लोग वहाँ पे x के जगह cos थीटा लिख करते थे ना। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स हो, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स हो, तो वहाँ पे हम लोग x बराबर cos थीटा लिख करते थे। उसके बाद और भी था स्टूडेंट, जैसे कि 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, जब ये रहे तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, तो tan थीटा लीड करते थे ना। उसके बाद जब 2x स्क्वायर माइनस 1 हो तो क्या करते थे, cos थीटा, जब 1 माइनस 2x स्क्वायर हो तो sin थीटा, ये सब हम लोग उसमें लेट करते थे। तो स्टूडेंट आप लोग को पूरा पता है, पिछला वीडियो जो नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, और एक एक करके वीडियो देखिएगा ताकि अच्छा से आप लोगों को समझ में आए। तो आप लोगों को पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी और दो चार पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या पॉइंट आएगा तो हम लोग से आगे और क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए उस पॉइंट को भी बताते हैं क्या है वो पॉइंट। जैसे कि स्टूडेंट एक्सरसाइज 10D है, चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 10D। अब हम लोग और थोड़ा आइडियाज के बारे में जानते हैं, चार पांच आइडियाज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीख जाइएगा तो आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट नंबर में क्या था, मान लीजिए यदि आप लोगों को कहीं भी दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जब ये चीज आप लोगों को दिख जाए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो, यानी कि जब कोई भी क्वेश्चन दिखे इस टाइप का टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तब इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है
यानी कि हम लोग यहाँ पे टेन इनवर्स लिखेंगे एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए स्टूडेंट इसको याद कैसे कीजिएगा, जैसे ही देखे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ पे प्लस है ना तो ऊपर प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे और नीचे माइनस कर देंगे, यानी कि वन माइनस एक्स इंटू वाई। जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला था ना, टेन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ए इंटू बी, यानी कि टेन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला, वही वाला चीज़ यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड से इसको याद कीजिए। प्लस था तो ऊपर में प्लस देते थे और नीचे क्या करते थे, माइनस करते थे, यानी कि जब भी दिखे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तो हम लोग फॉर्मूला पुट क्या करेंगे, यानी कि ये आइडियाज हम लोग को याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू वाई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जब आप लोगों को मिले टेन इनवर्स एक्स और बीच में जब यहाँ माइनस हो और फिर यहाँ पे क्या रहेगा टेन इनवर्स वाई, तब अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जब टेन इनवर्स एक्स माइनस जब प्लस था तो यहाँ पे प्लस डालते थे और नीचे माइनस, और जब यहाँ पे माइनस आ जाए बीच में तब क्या करेंगे, देखिए तब लिखेंगे इसको टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स इंटू वाई। बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी माइनस कर देंगे और नीचे कर देंगे प्लस, यहाँ जब बीच में प्लस रहे तो प्लस कर देंगे और नीचे कर देंगे माइनस। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जब भी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसको हम लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है स्टूडेंट। कभी भी यदि देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स थीटा। जब देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। देखिए जब साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा, जब कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और जब टेन इनवर्स माइनस थीटा हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस टेन इनवर्स थीटा। जब टेन इनवर्स माइनस थीटा हो तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स थीटा। तो ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे थोड़ा देखिए बताते हैं। जैसे बस इसमें चार पांच आइडियाज है, इसको याद कर लीजिए अच्छा रहेगा। याद क्या करना, जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो लिख लिख के बनाइए, दो चार बार पांच बार इसको एक बार देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, अपने माइंड में सेट हो जाएगा जब इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा, अब आगे देखिए है एक मतलब एक ही ठोर कॉन्सेप्ट बचा हुआ, उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तब अब हम लोग इसको क्या करेंगे, और ये जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का सबसे मेन टॉपिक यदि कुछ समझाने का है तो यही है। ये चीज आप लोगों को एकदम हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी यदि टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी दिखे तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, देखिए ये जो नीचे वाला है इस जगह इसको हम लोग वन बनाएंगे, किसी तरह भी करके हम लोग को यहाँ पे वन बनाना है, किसी तरह भी करके मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसी नंबर से डिवाइड कर देना है तो यहाँ पे वन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ए है तो ए से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे टू रहता है तो टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे टेन रहता है तो टेन से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इस जगह जो भी नंबर हो उससे हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड करके और यहाँ पे वन बना लेंगे। वन क्यों बनाएंगे, देखिए अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला में टूटने वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको वन बनाएंगे। यहाँ पे जो रहेगा ना, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा रहे उसी से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे ताकि इस जगह वन बने। तो चलिए देखते हैं इसको करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स ए बाय ए माइनस बी बाय ए होगा ना, ए से जब डिवाइड करेंगे तो ए से इसको भी डिवाइड कर दिए, इसको भी, फिर ए से इसको भी करेंगे इसको भी, क्योंकि हमको इसका वन बनाना है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बाय ए, ये हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाय ए तो कट के वन हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी बाय ए, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय वन प्लस बी बाय ए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस बी बाय ए डिवाइडेड बाय वन प्लस वन इंटू बी बाय ए,
अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला टूटा, इधर दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए फॉर्मूला आ गया कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स वन माइनस यानी कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। देखिए ये वाला फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स इसको वन नहीं बोलेंगे, अब इसको एक्स बोल देंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये क्या फॉर्मूला था, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं टेन इनवर्स, चलिए यहाँ पे दिख रहा है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ पे वन कर देंगे, फिर माइनस है माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई में कौन स्टैंड थे बी बाई ए, यहाँ पे कर देंगे टेन इनवर्स बी बाई ए, ये हो गया। अब आगे जो आएगा उसका आगे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से चलिए इसको हम पूरा रिपीट करते हैं कि देखिए कभी भी दिखे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जैसे ही प्लस दिखे बीच में हम लोग को भी यहाँ प्लस कर देना, और क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। जैसे ही दिखे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो क्या करना है टेन इनवर्स माइनस है तो एक्स माइनस वाई और नीचे वन प्लस एक्स इंटू वाई। साइन इनवर्स के अंदर माइनस थीटा तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस थीटा तो हो जाएगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और जब टेन इनवर्स माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स थीटा। अरे देखिए यहाँ पे जब टेन इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आज का सबसे मेन टॉपिक यही है कि जब भी कभी आप लोगों को फंक्शन में टेन इनवर्स दिखे और नीचे यहाँ पे जो भी हो उसको हटा करके क्या करना वन कर देना, यहाँ पे उसको चेंज करके वन कर देंगे। ए है अब वन कैसे आएगा, जो चीज़ यहाँ पे रहेगा उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे हुआ ए है तो ए से इसको डिवाइड करेंगे वन बनाने के लिए, तो यहाँ पे ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे फाइव रहेगा तो फाइव से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, फिफ्टी रहेगा तो फिफ्टी से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, जो भी रहे उसी से डिवाइड कर देंगे ताकि इस जगह ए मतलब वन बन जाए। इसका आगे बहुत ही यूज होने वाला है, इसलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस जगह हम लोग को वन बनाना है, ठीक ना। तो वन बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दिए तो टेन इनवर्स वन माइनस बी बाय ए आ गया। अब ये फॉर्मूला में टूट गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में, क्या होता है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई हो गया, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, एक्स की जगह वन है और वाई की जगह बी बाय ए, तो लिख दिए। अब आगे जो भी रहेगा क्वेश्चन में आगे देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पांचों का आप लोग मतलब जो भी है सात आठ है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे भी देखेंगे। अब जो हम लोग एक्सरसाइज 10D पे चलते हैं, चलिए चलिए एक्सरसाइज 10D देखते हैं क्या है। एनडी का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 23 में दिया हुआ है y इक्वल टू cot इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये दिया, चलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे ही हम लोगों को इनवर्स बनाएंगे, इनवर्स में साइन कॉस और टेन के अलावा यदि कुछ भी दिखे तो हम लोग वहाँ पे क्या कर देंगे, आप लोगों को बताए थे कि उसको हम लोग साइन कॉस और टेन के अलावा यदि कोई भी चीज़ दिखे तो उसको हम लोग यही तीन चीज़ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज कैसे होता है, तो उसको ऊपर कर देते हैं, मतलब उसका उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, और जैसे ही आप लोगों को नीचे दिख जाए एक्स रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग वहां पे क्या मान लेंगे, साइन थीटा लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा,
और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पर लिखेंगे नाव y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे है, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे गलत मेरा बुक में दे दिया है 23 में, यहाँ पे वन प्लस भी रहेगा ठीक ना, यहाँ पे वन प्लस रहेगा ठीक, वन प्लस इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो ये इसमें चेंज हो, यहाँ पे वन प्लस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा वन प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे होगा कि नहीं। और यहाँ से फिर देखिए क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू होगा ना। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि वन प्लस कॉस थीटा बचा, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टेप और वन प्लस कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट ये मेरा बुक में क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे वन प्लस रहेगा ठीक है, आप लोगों का भी बुक में यदि मिस प्रिंट हो तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से चलेंगे लिखेंगे वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये इससे कैंसिल और ये टू से टू कैंसिल, तो साइन थीटा बाय टू बटे कॉस थीटा बाय टू मिल करके क्या हो जाएगा टेन थीटा बाय टू। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू, अब टेन इनवर्स से टेन टेन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ थीटा बाय टू। अब यहाँ पे लिखेंगे ना फ्रॉम वन यानी कि अब इक्वेशन नंबर वन पे आएंगे, इक्वेशन नंबर वन पे यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय टू साइन इनवर्स x होगा कि नहीं, ये साइन इनवर्स हो जाएगा इधर आएगा तो थीटा का वैल्यू। अब इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय टू और साइन इनवर्स x का वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा डिवाइड बाय डी एक्स फाइनल आंसर क्या गया स्टूडेंट, तो वन बाय टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा डिवाइड बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, बुक में मेरा थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे वन प्लस आएगा, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा ठीक है, वन प्लस यदि आप लोगों का भी बुक में वन प्लस नहीं दिया हो तो इसको कर लीजिएगा वन प्लस। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन था वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स वन प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, तो स्टूडेंट आप लोगों को हम क्या बोले कि जब भी कभी डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स के अलावा सेक कोसेक और कॉट दिखे तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, क्या करेंगे सेक मान लीजिए कहीं आप लोग को दिख गया कॉस इनवर्स एक्स की जगह आप लोगों को दिख गया सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स को हम लोग जैसे ही चेंज करेंगे तो इसको कॉस इनवर्स वन बाय एक्स करेंगे कि नहीं, बस वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं ठीक है। ये कॉट इनवर्स में है तो टेन इनवर्स वन बाय एक्स होगा, वन बाय एक्स यानी कि ये ऊपर वाला कहाँ चल जाएगा नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा वही किए। अब जैसे ही रूट के अंदर हम लोग कल आपको बताए थे आइडियाज में, आइडियाज रिलेटेड टू इनवर्स में कल बता रहे थे डिस्कस किए थे कि रूट के अंदर यदि वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा लेट करेंगे, वही किए जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि वन प्लस कॉस थीटा बन गया और वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये टू से टू कैंसिल एक कॉस से एक कॉस चल गया तो यहाँ पे सिर्फ कॉस बचा। अब साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू मिलकर के टेन थीटा बाई टू, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो बचा यहाँ पे क्या थीटा बाई टू। अब चलेंगे इक्वेशन नंबर वन पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू वन बाई टू और थीटा की जगह साइन इनवर्स x होगा, बहुत बार हम लोग दो तीन क्लास से रिपीट कर रहे हैं कि ये साइन इनवर्स x कैसे होगा। अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, तो वन बाय टू और साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो स्टूडेंट अब ये समझ में आ गया होगा इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है,
चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। देखिए स्टूडेंट, हम आप लोगों को क्या बोले थे कि जब भी टेन इनवर्स दिखे तो इस जगह हम लोग को 1 बनाना है। ये ना बोल रहे थे कि जब भी टेन इनवर्स दिखे तो नीचे 1 बना देंगे। तो यहाँ तो पहले से ही 1 बना हुआ है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 1 से तो डिवाइड नहीं ना करेंगे, 1 पहले से बना हुआ है तो अब 1 बनाना ही नहीं है। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स प्लस है तो बीच में प्लस आ गया, इस चीज पर ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 इंटू x। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a माइनस a इंटू बी, यही ना होता है 1 इंटू मतलब 1 माइनस a इंटू बी। टेन इनवर्स x, इसको x मान लेंगे या फिर a, जो भी आप लोग मानिए। देखिए टेन इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी, है ना। जब भी बोले थे प्लस रहे बीच में तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस लेंगे। अब चलिए इसका सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स। देखिए ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, ये तो वेरिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ क्या है एक्स वाई है मल्टीप्लाई में, नहीं ना है। तो टेन इनवर्स 1 यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो ये होगा 0, यानी कि ये क्या है, ये 0 क्यों हुआ इसके डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि ये है कॉन्स्टेंट, इसलिए इसका वैल्यू आ गया 0 डिफ्रेंसिएशन। फिर प्लस टेन इनवर्स x का क्या था, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरा dy बाई डी एक्स निकल गया स्टूडेंट, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा आंसर। देखिए कितना इजी था, सिर्फ यही चीज हम लोग को देखना है कि टेन इनवर्स जैसे ही रहे तो नीचे 1 देखेंगे, यहाँ पहले से ही 1 बना हुआ था, बस सिर्फ फॉर्मूला लगा दिए, एक लाइन में आंसर आ गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। और हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 30। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है y इक्वल टू sec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना दिया है। तो चलिए इसको चेंज करेंगे, sec इनवर्स है जिसको cos में चेंज कर देंगे। अब तो आप लोग cos में इसको कैसे चेंज करेंगे समझ में आ गया होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, और यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल टू। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना, वो सारा चीज आप लोगों को फॉर्मूला और आइडियाज अच्छा से एक दो बार रिविजन करना स्टूडेंट, ताकि माइंड में बैठ जाए। तो अब यहाँ पे कैसे एक्स, देखिए देख करके पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज लगने वाला है। तो अब क्या चीज हम लोग लेट करने वाले थे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू टेन थीटा को लेट कर लेंगे, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम लोग लेट करेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा, ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू सिर्फ बच जाएगा 2 थीटा, होगा कि नहीं, सारा चीज समझ में आता होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 टेन इधर उठ क्या जाएगा, तो 2 इंटू टेन इनवर्स x बचेगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, चलिए इधर बनाते हैं, y इक्वल टू ये आ गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, 2 है 2 लिख देंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by 1 plus x square, यानी कि फाइनली हम लोग का dy by dx क्या हो गया, तो 2 by 1 plus x square, ये हो गया हमारा dy by dx। एक बार फिर से इसको समझिए स्टूडेंट, क्या था यहाँ पे sec इनवर्स, हम आप लोगों को बोले थे कि कभी भी फंक्शन हम लोग को sec में, cosec में और cot में दिखे तो उसको हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे, sec में दिखेगा cos में चेंज कर देंगे, cot में दिखेगा tan में चेंज कर देंगे, cosec में दिखेगा तो sin में चेंज कर देंगे। और चेंज करने का क्या रूल है, जो नीचे रहता है 1 बाय,
जिसे sec इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x by 1 मतलब ऊपर वाला को जैसे कि मतलब x है, तो जो ये x है इसको उल्टा कर देंगे, x का उल्टा क्या आ जाएगा cos इनवर्स लिख करके और x का उल्टा 1 by x, तो चेंज हुआ ना, वही चीज यहाँ पे हम लोग किए हैं। ये sec इनवर्स है इसको cos में चेंज कर दिए, ये नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब ये x बराबर हम लोग मान लिए tan थीटा, ये जैसे ही देखेंगे माइंड में आ जाना चाहिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है cos 2 थीटा होता है, तो x इक्वल टू मान लिए tan थीटा, और जिसको मानेंगे उसको इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखेंगे नाउ y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह tan थीटा बैठा देंगे, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइड मतलब बटे 1 प्लस x की जगह x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, इक्वेशन 1 से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, बस इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिए dy / dx इक्वल टू 1 / 1 प्लस x स्क्वायर, और ये 2 पहले से था तो 2 * 1 / 1 प्लस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में क्या है, इधर जो है 31 32 से लेकर के 34 सब सब एक टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग चलेंगे 35 में, तो देखिए स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन, 35 में दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना दिया है। चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं इसको हम लोग, ए एक्स का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि ए एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जब भी कभी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो हम लोग वहां पे साइन थीटा लेट कर लेंगे, यहां पे एक्स की जगह ए एक्स लिखा हुआ है तो ए एक्स को हम लोग साइन थीटा लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट ए एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे नाउ वाई इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स ऑफ 2, जहाँ पे ए एक्स है, ए एक्स को हम लोग क्या माने अभी तुरंत, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा, रूट है तो रूट डाल दिए, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से ये रूट कैंसिल, तो सिर्फ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल करके क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल यानी कि वाई इक्वल टू सिर्फ हम लोग का क्या हो गया 2 थीटा हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, लिखेंगे फ्रॉम 1 y इक्वल टू 2 इंटू थीटा यानी कि साइन इनवर्स ए एक्स, अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई रूट अंडर साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह a भी लिखा हुआ है यानी कि a x का होल स्क्वायर, यही ना होगा, और ए एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया स्टूडेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2 ए बाय रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट कितना सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को आइडियाज याद रखना है और जो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का उसको याद रखना है, और क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होने वाला है। डिफरेंशिएशन तो इसमें सिर्फ एक लाइन का होता है, सिर्फ फॉर्मूला और कुछ नहीं है। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया, कल बताए थे और आज भी बोले हम कि कभी भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसको हम लोग साइन थीटा लेट कर लेंगे,
एक्स के जगह ए एक्स लिखा हुआ तो ए एक्स को हम लोग साइन थीटा लेट कर लेंगे, लेट कर लिए, अब लिखेंगे नाव, और नाव वाई इक्वल टू साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ए एक्स के जगह जो लेट किए वो साइन थीटा लेट किए, लिख दिए रूट अंडर वन माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल करके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला साइन टू थीटा, यहाँ से ये कैंसिल, तो वाई इक्वल टू टू थीटा हो गया, इक्वेशन नंबर वन से थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ए एक्स लिख दिए, इसका सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर दिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू ए रूट अंडर ए माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ए इसलिए आया क्योंकि एक्स का जब यहाँ पे सिर्फ एक्स रहता तब ये नहीं आता, लेकिन इसके साथ ए भी है ना, तो ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए होगा, वही ए यहाँ पे आया, तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6x, इस 6x को स्टूडेंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 माइनस 2x 1 प्लस 3 इंटू 2x, अब ये क्यों इसको लिखें इस तरह, ताकि ये फॉर्मूला में मिल जाए tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू b, तो इसका हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला ना पता है इसलिए हम लोग इसमें तोड़े इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस जो tan इनवर्स x माइनस y वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स y के जगह 2x है तो 2x कर देंगे, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy वाई बाई डी एक्स, देखिए फिर वही बात, टेन इनवर्स 3 है, क्या इसके साथ कोई भी एक्स वाई ये सब फंक्शन लिखा हुआ है, ना ही एक्स है ना ही वाई है, तो क्या पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है 2x, यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर, और ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आंसर आ गया स्टूडेंट माइनस 2 बाय 1 प्लस 4x का स्क्वायर, देखिए कितना इजी था, तो 43 इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अब एक क्वेश्चन और 46 देख लेते हैं, देखिए 46 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ y इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स प्लस ए, यही ना दिया हुआ है, इसको हमको प्रूफ करके लाना है, डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग को इसको प्रूफ करके लाना है डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, देखिए स्टूडेंट जैसे यहाँ पे टेन इनवर्स देखिए तो हम लोग को यहाँ पे 1 देखना है, और 1 कैसे आएगा तो बी एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ बी ए एक्स बटे बी एक्स माइनस बी बटे बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स बाय बी एक्स, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे ए बाय बी एक्स, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स से एक्स कैंसिल तो यहाँ पे हो गया ए बाय बी माइनस बी से बी कैंसिल तो ए बाय वन बाय एक्स, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल तो बचा वन, फिर प्लस ये यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई ऑफ वन बाय एक्स, इस तरह इसलिए लिखे ताकि ये फॉर्मूला में जो मैच किया सेम यही वाला चीज है ना, टेन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स इंटू वाई, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, x के जगह ए वाई बी, फिर माइनस है यहाँ पे भी माइनस आएगा टेन इनवर्स 1 बाय x, चलिए इसको निकालते हैं,
ये तो इसका डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो माइनस टेन इनवर्स वन बाय एक्स लिखा हुआ है, यानी कि वन बाय वन प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स का स्क्वायर, और वन बाय एक्स का मतलब माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस कैंसिल, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नहीं तो छोटा मोटा चीज़ आप लोगों को समझ में आता होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, इससे इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इससे से कैंसिल हो गया, तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यही ना हम लोग को बोला था प्रूफ करने के लिए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स से निकल गया। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। 46 में y इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स प्लस वन, हम क्या बोले थे, बी एक्स प्लस ए लिखा हुआ, हम क्या बोले थे, कभी भी टेन इनवर्स दिखे तो इस जगह हम लोगों को वन बनाना है। यहाँ पे वन कैसे बनेगा, जो यहाँ पे है उसी से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो चलिए डिवाइड कर दिए, बी एक्स से डिवाइड किए ए एक्स बटे बी एक्स माइनस बी बाई बी एक्स हो गया, और यहाँ पे बी एक्स से डिवाइड कर दिए, फिर प्लस ए को बी एक्स से डिवाइड कर दिए, कटा यहाँ पे ए बाई बी बचा, फिर माइनस बी से बी कटा एक बटे एक्स बचा, ये पूरा कट के वन हो गया, फिर प्लस था प्लस कर दिए, इसको ए बाई बी इंटू ए वन बाय एक्स में कर दिए। अब देखिए ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है कि नहीं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में टूटा, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसके साथ देखिए ये वेरिएबल नहीं है, इसके साथ ना ही एक्स के साथ मल्टीप्लाई है ना ही वाई मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, माइनस है माइनस लगा दिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये लिखा हुआ तो वन बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लिए एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हम लोग को प्रूफ करने बोला था। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, अब हम लोग एक क्वेश्चन और रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया y इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब हमको यहां से बोलने का कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये तो चैन रूल से इतना बड़ा फंक्शन तो नहीं है ना बनेगा, तो हम लोग जैसे ही ये इनवर्स में दिखा, हम लोग जैसे ही रूट के अंदर वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स दिखे, तो डायरेक्ट मन में लाना है, वन माइनस एक्स दिखा वन प्लस एक्स दिखा, तो वहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लेट कर देंगे, चलिए लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ वाई इक्वल टू साइन है साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वाई इक्वल टू सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 टेन इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा वाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई इक्वल टू साइन 2
मल्टीप्लाई ऑफ थीटा बाय टू है, तो लिख देंगे थीटा बाय टू, ये कैंसिल, तो वाई इक्वल टू सिर्फ बच गया साइन थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन, अब यानी कि इक्वेशन नंबर वन से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि वाई इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स एक्स, यही ना होगा। चलिए अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स एक्स, और ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल है। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस, जो लिखा हुआ यही यहाँ पे लिख देंगे एक्स की जगह, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का फाइनल निकल गया माइनस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही दिया था प्रूफ करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन एक बिजरा क्वेश्चन में जान नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए क्या है, y इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, यही ना दिया हुआ है। तो जैसे ही रूट के अंदर हम लोग को दिखे वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, तो बता दिए थे आइडियाज रिलेटेड में कि वहाँ पे हम लोग को क्या बैठा देना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लेट कर लिया, एक्स इक्वल टू जहाँ पे एक्स है वहाँ पे कॉस थीटा बैठाइए, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला और वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दिए। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, उससे ये थीटा बाय मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के यहाँ ये बचा। अब टेन इनवर्स है टेन कैंसिल, तो यहाँ पे थीटा बाय टू, यहाँ पे टू बचा, अब इस टू से टू कैंसिल हो गया, तो सिर्फ साइन थीटा बचा। इक्वेशन नंबर वन में आके कॉस इनवर्स एक्स हो गया थीटा का वैल्यू, लिख दिए यहाँ पे, इसका सिंपल डिफ्रेंसिएशन किए, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, एक्स की जगह जो लिखा उसको लिख दिए, और यहाँ पे जब एक्स नहीं है जो फंक्शन है, दूसरा डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस लिख दिए ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टैंड ये 49 पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें 51 तक क्वेश्चन ही है, आप लोगों को पूरा ये क्वेश्चन 51 तक कल फुल एक्सरसाइज बना के लाना है। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बने वो हम आप लोगों को बताएंगे कल, फिर नेक्स्ट चैप्टर कल, डाउट नहीं कल और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और कल यदि होगा तो फिर डाउट भी बताएंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि ये क्लास अच्छा लगे तो आप लोग अपना फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारा चैनल SGD मैथ क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।